आल्हा अपने छोटे भाई उदल की वीरगति की खबर सुनकर आपक हो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो आया मारा गया। इतिहास के झरोखे से झांक कर देखे तो बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे आज भी जुबा पर है। प्राचीन काल के सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। बुंदेलखंड की जमी ऐसे ही दो वीरों की गवाही देती है। ये वीर थे आल्हा और उदल। दोनों भाइयों आल्हा और उदल का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाकर वंश से जोड़ा जाता है। आल्हा उदल की गाथा में दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र बताया गया है। दसराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। उदल आल्हा से 12 साल छोटे थे। बताया जाता है कि आल्हा के पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हुआ था। आल्हा बचपन से ही देवी माँ के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। आल्हा और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता के का जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में आल्हा भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। आल्हा का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे था। उस दौर के एक कवि जागनिक की एक कविता आल्हा खंड में इनकी वीरता की सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हखंड नामक एक काव्य रचा था, उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। एक, उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगति प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। एक घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नागपंथ स्वीकार कर लिया। आल्हा चंदेल राजा परमर्दिदेव परमल के रूप में भी जाना जाता है के एक महान सेनापति थे जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी जो आल्हा खानबोर में अमर हो गए। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दसराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे जो की चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आल्हा उदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। पंशूनी ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आल्हखंड की भूमिका में आल्हा को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है। ये दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ये प्रायः 12वीं विक्रमीय शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसा प्रचलित है कि उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले लिया और जो आज तक अमर है और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संजम भी महोबा की इसी लड़ाई में आल्हा उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी जो कान्यकुब्ज और कश्यप गोत्र के थे उनके द्वारा मारा गया था। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से गाते हम लोग चले आते हैं। आज भी काया तक उन्हें आल्हा सुनकर जोश में भर अनेकों साहस के काम कर डालते हैं। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस आल्हखंड का सहारा लेना पड़ा था।